So, hey guys, this is Yusuf and you're watching Education Side. तो MPTT Counseling 2022 के लिए जो राउंड वन के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो कल यानी 11th ऑफ सेप्टेम्बर को आने वाला है और ये बात आप में से सभी बच्चों को लगभग पता होगी। तो ये वीडियो बनाने का हमारा मेन मोटिव क्या है, तो ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि 11th ऑफ सेप्टेम्बर को आपके जो रिजल्ट है राउंड वन के लिए सीट अलॉटमेंट के वो सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच आ ही जाएंगे। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार राउंड वन के लिए जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें टोटल 25,000 स्टूडेंट हैं और इसे अगर हम कंपेयर करते हैं 2020 से 2021 से तो यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। 2020 में जो टोटल स्टूडेंट थे वो 18,000 के करीब थे राउंड वन के लिए एंड 2021 में जो स्टूडेंट थे वो 20,000 के करीब थे। इस बार ऑलमोस्ट 5,000 स्टूडेंट जो हैं वो MPDT काउंसलिंग के लिए ज़्यादा हैं। तो इस बार राउंड वन के जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है उस पर इसका इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा। तो इस बार राउंड वन के अंदर अगर आपको मान लो मन की सीट मिल जाती है तब तो कोई बात ही नहीं है, यानी राउंड वन के अंदर जो कॉलेज मिला जो ब्रांच मिली आप उससे 100% सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली आप जाइए कॉलेज में रिपोर्ट करिए और रिपोर्ट करके वहां पे फाइनल एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और फीस वगैरह जमा करके एडमिशन कंफर्म करिए। लेकिन अगर आप कॉलेज में सेटिस्फाइड नहीं है, ब्रांच में सेटिस्फाइड नहीं है तो राउंड वन का जो अपग्रेड है वो 2020 में भी 21 में भी हर साल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, लेकिन इस साल ये जो अपग्रेड राउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस साल ये अपग्रेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेरिट लिस्ट के अंदर जो 25,000 स्टूडेंट हैं ना, जो 5,000 स्टूडेंट ज्यादा हैं 2021 के कंपैरिजन में, वो काफी इंपैक्ट डालेंगे राउंड वन के रिजल्ट में। तो राउंड वन के अपग्रेड में आप जरूर अप्लाई करिएगा। राउंड वन के अंदर जो सीट मिली है आप उससे अगर 5% भी सेटिस्फाइड नहीं होना तो सीधे अपग्रेड राउंड के लिए अप्लाई करो, सीधे आप जाके अपग्रेड राउंड के लिए अप्लाई करो, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। और अपग्रेड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो 1,030 रुपीज आपको पे करने होंगे अगर राउंड वन में सीट अलॉटमेंट आया है और इसके बाद आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर सीट ही नहीं मिली राउंड वन के अंदर तो क्या करें भैया, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटो अपग्रेड के लिए कंसीडर कर लिए जाओगे, आपको कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है अगर सीट नहीं मिली। अगर मिली है तो 1030 पे करके आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे तो कॉलेज में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि राउंड वन के अंदर जो भी सीट मिले उसे बिना सोचे समझे आप अपग्रेड करिए क्योंकि अपग्रेड राउंड 2022 में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इससे आपका जो मतलब ये 5000 का गैप आ गया है ना 2021 और 2022 में, ये काफी हद तक फिल हो जाएगा। बाकी जो गैप बचेगा ना वो इंटरनल ब्रांच चेंज में फिल हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था। कल आपका सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच राउंड वन के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। और एक बात, कल जेई एडवांस का भी रिजल्ट आने वाला है, तो जो बच्चे जेई एडवांस के लिए अपीयर हुए हैं उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और जिनको कल सीट अलॉटमेंट भी आने वाला है MPDT का, उन सभी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका ध्यान रखिएगा कि अपग्रेड राउंड 2022 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जो बच्चे सिर्फ वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते वो क्या कर रहे हैं यार, वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखें। मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे, जय हिंद, लाइक करके सब्सक्राइब करके रखो।